आप सभी वाणिज्य अर्थात कॉमर्स के स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल वाणिज्य की पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेके आए हम बीकॉम एंट्रेंस सीरीज में बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड एमसीक्यू। इसके पहले के जो वीडियोस हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है, और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। ये किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में बीकॉम प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूर्वाधिकार अंशधारी को समता अंशधारी की तुलना में क्या पूर्वाधिकार है? ऑप्शन अवेलेबल है लाभांश का, पूंजी का, लाभांश एवं पूंजी का, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के तुलना में उनको लाभांश एवं पूंजी का अधिकार होता है। इसका आंसर होगा लाभांश एवं पूंजी का। क्वेश्चन नंबर टू, लाभांश या ब्याज दर किस प्रतिभूति के संबंध में पूर्व निर्धारित है? ऑप्शन है ऋण पत्र, शोध अधिमान अंश, संचयी अधिमान अंश। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर थ्री, कंपनी समापन की स्थिति में सर्वप्रथम भुगतान योग्य प्रतिभूति है। तो कंपनी समापन जब किया जाता है तो उस समय सबसे पहले भुगतान जो होता है वो होता है ऋण पत्र का। इसका आंसर होगा ऋण पत्र। क्वेश्चन नंबर फोर, सबसे जोखिम पूर्व प्रतिभूति कौन सी मानी जाती है? तो सबसे जोखिम पूर्व प्रतिभूति जो है वो समता अंश मानी जाती है, मतलब इक्विटी शेयर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, कंपनी समापन की स्थिति में सबसे अंतिम भुगतान योग्य प्रतिभूति है, मतलब कि जब कंपनी को समाप्त किया जाता है तो सबसे अंत में किसका भुगतान किया जाता है? तो सबसे पहले तो ऋण पत्र का भुगतान किया जाता है, फिर पूर्वाधिकार अंश का भुगतान किया जाता है, फिर संचयी अधिमान अंश का किया जाता है, फिर सबसे लास्ट में सबसे अंत में समता अंशधारियों को भुगतान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न में से कौन सी प्रतिभूति स्वामित्व प्रतिभूति नहीं मानी जाती है? तो स्वामित्व मतलब जो मालिक होता है, मतलब मालिक से संबंधित प्रतिभूति कौन सी नहीं मानी जाती है? तो यहां पे ऋण पत्र जो होता है, एक तरह से हम लोन लेते हैं, यह मालिक से संबंधित प्रतिभूति नहीं होती। इसका आंसर होगा ऋण पत्र। क्वेश्चन नंबर सेवन, कंपनी का प्रबंध व नियंत्रण मुख्यतः किसके हाथ में रहता है? तो जो कंपनी का प्रबंध और नियंत्रण रहता है वो समता अंशधारी के हाथ में रहता है। इसका आंसर होगा समता अंशधारी। क्वेश्चन नंबर एट, अति पूंजीकरण से प्रोत्साहन मिलता है। ऑप्शन है सट्टेबाजी को, अंशों की खरीद को, ऋण पत्रों की खरीद को और उत्पादन विक्रय को। तो इसका जो सही आंसर है, मतलब अति पूंजीकरण से प्रोत्साहन मिलता है सट्टेबाजी को। इसका आंसर होगा सट्टेबाजी को। क्वेश्चन नंबर नाइन, अल्प पूंजीकरण का आशय है, मतलब अल्प पूंजीकरण क्या होता है? तो अल्प पूंजीकरण वास्तविक पूंजीकरण का उपयुक्त पूंजीकरण से कम होना होता है। तो इसका आंसर होगा वास्तविक पूंजीकरण का उपयुक्त पूंजीकरण से कम होना। क्वेश्चन नंबर टेन, अपूंजीकरण को रोकने का उपाय है। ऑप्शन अवेलेबल है बोनस अंशों का निर्गमन, अधिमान अंशों का विमोचन, ऋण पत्रों का विमोचन, उपयुक्त सभी। तो अपूंजीकरण को रोकने का उपाय है कि हम बोनस अंशों का निर्गमन करें। इसका आंसर होगा बोनस अंशों का निर्गमन। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ही बना हुआ है। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।